मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप कहेंगे यार ट्रू कॉलर पे तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जिस जिसके मोबाइल में ट्रू कॉलर है उसके साथ स्कैम का बहुत बड़ा संभावना बन रहा है कि उसके साथ स्कैम हो जाए, और खासकर वो लोग जो टेक गीक नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और उनके मोबाइल में अगर ट्रू कॉलर है तो उनके साथ जो ये संभावना और भी बढ़ जाता है कि उनके साथ जो है बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो जाए। कैसा वाला स्कैम? पैसा का स्कैम। उनके खाता से बहुत ज़्यादा पैसा भी डिडक्ट हो सकता है। कैसे? चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ जो कि मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था, और संयोग था कि उस घटना से पहले मैं वहाँ पे अवेलेबल हो गया था, और बाद में जब वो मुझसे पूछे कि ये करे या नहीं करे, और जैसे ही मैं देखा कहा यार ये तो स्कैम का पार्ट है, तुरंत मैंने उन्हें रुकने को कहा, और फिर उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप लोग बच सके, आपका रिलेटिव बच सके, आपके जान पहचान के लोगों के साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं हो। चलिए समझते हैं क्या हुआ था। एक्चुअली लोगों के फ़ोन में आजकल ट्रू कॉलर इसलिए इंस्टॉल है कि उन्हें कॉल करने वाला का रियल नेम जान सके, मतलब कि सिम किसके नाम पे है इसकी भी जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि कौन बंदा फ़ोन कर रहा है, उसका असली नाम क्या है, किस नाम से लोग उनके मोबाइल में सेव अपने अपने मोबाइल में करते हैं, वो डेटा फेच करके आपको बताता है। कैसे बताता है? ऐसे कि सबके मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल होता है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल उठाता है और एल्गोरिदम के बेस पे डिसाइड करता है कि जो नाम सबसे ज़्यादा उस नंबर पे सेव होता है वही नाम होगा, इसकी संभावना प्रिडिक्शन करके नाम बताया जाता है, राइट? ठीक है। अब एक चीज़ और देखे हुइएगा, ट्रू कॉलर में आपका डायलर मिलेगा, डायलर के साथ साथ कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कॉन्टेक्ट का मोबाइल में नॉर्मल में रहता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो मोबाइल लेते हैं स्मार्टफोन लेते हैं उसमें आपका एक डायलर होता है, एक कॉन्टेक्ट का ऑप्शन होता है जहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर खोजते हैं, और एक मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है जहाँ पे जो भी मैसेज आप रिसीव या सेंड करते हैं वो मैसेज वहाँ पे दिखता है, जनरली रहता है। जब आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है, जहाँ पे डायल करने का ऑप्शन, मतलब इनकमिंग, आउटगोइंग, मिस्ड कॉल, ये सब का ऑप्शन रहता है। स्लाइड करते हैं तो आपको मैसेज का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे जो भी मैसेज आपके फ़ोन में वो वहाँ पे दिखेगा। दूसरा आपको रहता है कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, और इसके बाद फिर डायलर का ऑप्शन रहता है, राइट? मतलब एक तरह से समझ लीजिए ट्रू कॉलर का जो अपना डायलर होता है, खेल यहीं पे होता है। चलिए अब मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो घटना हुआ उस घटना में क्या ऐसा संभावना था जिससे स्कैम हो सकता था, और आपके लिए क्या सीख है। हुआ ये था कि जिसके साथ ये घटना होना था उसके मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल था, और उसे कुछ मैसेज रिसीव हुआ। जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ तो डिफ़ॉल्ट जो है मैसेजिंग एप्लीकेशन बन चुका था ट्रू कॉलर, वो ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन ओपन हुआ, वहाँ पे बहुत सारे इनकमिंग मैसेज था। इनकमिंग मैसेज का मतलब कि जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर हो गया, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा, उसका भी जो है रिचार्ज विचार्ज का ऑप्शन का जो मैसेज था वो सब भी था, साथ साथ बैंक से जो ट्रांजेक्शन हो रहा था डेबिट क्रेडिट का वो सब भी था। उसी बीच में एक मैसेज था जहाँ पे कुछ अमाउंट का रिसीव किया हुआ मैसेज दिखाई दिया। अब वहाँ पे था कि अगर आपको ये पैसा रिसीव चाहिए आपके बैंक अकाउंट में तो स्क्रैच करिए। चूंकि मैसेज के बीच में था और वो ज़्यादा टेक्निकल बंदा नहीं है, इसीलिए वो क्या उसको क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो असल में वो एक मैसेज का रूप लेकर के वो एडवर्टाइजमेंट था। मतलब ये हुआ कि ट्रू कॉलर के मैसेजिंग एप्लीकेशन में जो मैसेज था, जो जेन्युइन रियल मैसेज है, वो सब मैसेज के बीच में मैसेज के जैसा ही एक प्रचार चल रहा था, और उस प्रचार में था क्या कि आपको इतना रुपया रिसीव हुआ है, 700 या 750 कुछ अमाउंट का था, उतना रुपया आपको रिसीव हुआ है, रिसीव करने के लिए स्क्रैच करिए। अब जैसे उस प्रचार पे क्लिक किया जाता है, चूँकि वो प्रचार न लग करके लग रहा था कि मैसेज रिसीव हुआ है, ऐसे ही फोन पे एप्लीकेशन खुलता है, और फोन पे एप्लीकेशन पे वो जो पैसा रिसीव के बदले डिमांड का था, मतलब क्या है, मतलब कि मनी रिक्वेस्ट का मैसेज था वहाँ पे, मतलब वो जो प्रचार चल रहा था उस प्रचार में मनी रिक्वेस्ट का ऐड डाला हुआ था, जिसको क्लिक करते हुए बाय डिफॉल्ट फोन पे ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पे मैसेज में था फोन पे इतना रुपया रिसीव करना है, इसके लिए स्क्रैच करिए। और जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया, फोन पे खुला, अगर उस समय मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता तो वो पिन डाल करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेज दिया रहता वो बंदा। लेकिन जैसे ही पिन डाल रहा था और मेरे से बात भी कर रहा था, मैं तुरंत बोला रुक जाइए, क्योंकि पैसा रिसीव करने के लिए कोई पिन नहीं डालना होता, याद रखिएगा।
आपको यूपीआई के माध्यम से, मतलब फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से कभी भी या किसी भी तरह से पैसा रिसीव करने के लिए किसी भी तरह से पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा वहीं पे रुक गया और फिर जाकर के मैं देखा तो वहाँ पे मनी रिक्वेस्ट का ऑप्शन था, यूपीआई आईडी क्रिएटेड था। आखिर ये यूपीआई आईडी क्रिएट हुआ तो एक तरीका से हुआ होगा, जिसका अपना एक बैंक अकाउंट होगा, उसने यूपीआई आईडी क्रिएट किया, फिर जा करके एडवर्टाइजमेंट चलाया। और वो एडवर्टाइजमेंट कहाँ प्लेस हुआ? प्लेस हुआ ट्रू कॉलर के जो मैसेज का एप्लीकेशन है उसमें, जो जेन्युइन मैसेज है वो सबके बीच में। अब ये बात बताइए कि अपने इंडिया में कितना परसेंटेज लोग हैं जो एकदम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रियल मैसेज है या प्रचार वाला मैसेज है? कितना लोग हैं गांव से बिलोंग करते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं? क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए अलग अलग तरीका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब ये होता है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये लोग अब एडवर्टाइजमेंट का भी सहारा लेते हैं। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे प्रचार चल रहा है और खासकर मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तो ध्यान दीजिएगा मैसेज के बीच में लालच में आकर के पैसा जो जीते हैं, रिसीव हुआ है या कहीं से आया है, वो सोच करके कभी पिन नहीं डाल दीजिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसा भेजने के लिए पिन की ज़रूरत है और पैसा रिसीव करने के लिए कोई भी पिन की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना चीज़ याद रहेगा तो आपका फ्रॉड का संभावना, आपके साथ होने वाला संभावना बहुत हद तक नेग्लिजेबल हो जाएगा। आप ट्रू कॉलर के बारे में क्या जानते हैं, ट्रू कॉलर का क्या एक्सपीरियंस है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरह की घटना स्कैम का रूप है या नहीं ये भी कमेंट में